माई भूख है रोटी दो। ए माई, ए बाबा, ए बाबा भूख है कुछ बासी रोटी दो ना। बाबा बाबा बाबा, ए बाबा, ए भाई भूख है रोटी देना, रोटी देना, बहुत भूख है। अरे भाई हट्टा कट्टा आदमी है, भीख मांगते शर्म नहीं आती? काहे को शर्म आएगी, हम तो खानदानी फकीर है, रहने को घर नहीं है, नौकरी नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, तो पेट को रोटी तो चाहिए ना, रोटी तो भगवान तेरा। माए हफ्ते में 10 बार तेरी याददाश्त खो जाती है, तू जासूस से भिखारी बन जाता है। माई को डाल कढ़ाई में, मेरी बात सुन, मेरे बाप मेरी बात सुन, बहुत मुद्दत के बाद एक जबरदस्त केस मिला है, माला माल हो जाएंगे, चल मेरे साथ। क्या पटांग बातें कर रहा है, कौन जासूस, किधर का जासूस? आज मालूम है, आज है ना अच्छा खाने को मिलने वाला है। एक बुढ़िया सेठानी सुबह अपने कार में आई थी, बोली तुम्हें तो से जाना नहीं, इधर ही खड़े रहना, आज मेरे पति का श्राद्ध है, हलवा पूरी खाने को मिलेगी और साधु चारा ना मिलेगा। मार गोली उस बुढ़िया को, हलवा पूरी चाराने पे अटका हुआ। क्या बात करता है, इधर शाम को जलसा होने वाला है यार, 3 साल पहले हो चुका उसका। लगता है वापस आ जाएगी। मैं ये क्या कर रहा था? ठग मार रहे थे यहाँ सड़क पे खड़े होके, भीख मांग रहे थे। मैं भीख मांग रहा था? तेरा दिमाग खराब है क्या बे? जी नहीं, भगवान के वास्ते अपने दिमाग का इलाज कराने तो भेजा बदलवा, मैं बहुत तंग आ गया भैया। चल बातें करता है। अच्छा तू ऑफिस चल, यहाँ क्या कर रहा है? हो सकता है कोई केस आया होगा। जो मैं कह रहा हूँ वही ये कह रहे हैं, हो सकता है, नहीं केस आया है, बहुत बढ़िया केस आया है। क्या केस? एक बच्ची की तलाश करनी है, माला माल हो जाएंगे, माला माल। लवली चल। ले लो बेटा बिस्किट खा लो। नहीं चॉकलेट चाहिए। कैसे समझाऊं, चॉकलेट पार्क में नहीं मिलता। ये सेठ केदारनाथ की खोई हुई बच्ची लग रही है, ये आदमी उसको मना रहा है, वो रोती जा रही है, और उस अरे उसको अपने माँ बाप की याद आ रही है, कितना इमोशनल सीन है। खा ले बेटा, रोते नहीं। हाँ ले लो, रोना नहीं, आंसुओं को कंट्रोल करो। क्या करेंगे? वही जासूसी पैतरे, उठ स्टार्ट। कैसे समझाओ बच्ची को, बेटा चॉकलेट नहीं मिलता यहाँ पार्क में, मैं रास्ते में दिला दूंगा चॉकलेट। हाँ अरे क्या करो तुम लोग, खामोश। अरे आवाज करेगा तो गोली मार दूंगा। अरे पर क्यों, लेकिन ये मेरे बच्चे हैं। तेरे बाप की बच्ची है, दूसरों की औलाद को लेकर भागता उनके माँ बाप से लाखों रुपया वसूल करेगा? अरे नहीं बाबा, मेरी बात तो सुन। निकल। ओके डाना। अरे अरे क्या करो। अरे राम, लो फिर भीख मांग रहा है, ये भिखारी की औलाद मानेगा नहीं। अबे यार ये कटोरा किसने हाथ में दे दिया? अरे बहुत तगड़ा सेठ आया है, बहुत माल बनेगा, जल्दी कपड़े पहनकर ऑफिस में बैठ जा। तो तेरे कपड़े? अरे मेरे ही कपड़े गिरवी रख के तो दोपहर का खाना खाया था हम दोनों ने। क्या बात करते हैं, मेरे कपड़े हैं ना? हाँ वो रे पहन लो। मगर तुम मुझे संभाल लेना, अपनी याददाश्त संभाल लेना मेरे बाप। यार मेरी याददाश्त ठीक है, तू खामोखा मेरे गले पड़ता है, मेरी याददाश्त कभी गई आज तक? सुबह से 6 बार खाना खा चुका है, चल जाएगी मेरी। क्या बात करते, फिर भूल गए कपड़े? कपड़े तू किधर जाएगा? मैं जाता हूँ टीवी के पीछे। और बोलेगा किधर से? अमेरिका, हॉलैंड, इंग्लैंड, नागालैंड। बस बस इतना ज्यादा बंडल मत। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, जल्दी कपड़े पहन यार, वो साले आ रहे हैं। आइए सर, आइए, प्लीज वेलकम। आप घबरा बहुत रहे हैं। नहीं नहीं, अभी अभी एक औरत की चिल्लाने की आवाज आई थी यहाँ से। नहीं नहीं, वो औरत नहीं चिल्ला रही थी, वो हमारे घर की घंटी की आवाज है। क्या? जी हाँ, आइए। यस, जरा जल्दी कीजिए सर, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, पूरी दुनिया की जासूसी करनी पड़ती है, आपको यकीन नहीं आता, ये देखिए कम इन। Hi, boss. Hi. This is America. Yes, this is India. President George Bush has not been able to come and visit India. Why? Because he's not feeling well. His stomach is bad. Oh. Unke pet mein kafi dard hai. Give him my regards. I will send your regards to him. Okay. And bye. See you. Bye. ये कौन था? ये मेरा पार्टनर है, मेरे साथ अमेरिका से बात कर रहा था। ओहो, हम लोग फोन से नहीं डायरेक्ट बात करते हैं, अभी थोड़ी देर में चांद पर जाने वाला है, सैटेलाइट पर डायरेक्ट बात करेंगे। देखा, मैंने कहता था बहुत बड़े जासूस हैं ये। उससे भी बड़े हैं हम लोग। हाँ तो ये आपकी बेटी का केस है? ये मेरी बेटी नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ कम उम्र है, आपकी पोती है।
अरे यार मेरी पोती नहीं है ये। अच्छा उससे भी छोटी है, मतलब पड़ पोती है, इन्हें बेटी की बेटी की बेटी। अरे क्या घुड़ गोबर कर रहा है यार, ये मेरी पत्नी है। क्या? हाँ फिर यार Yes? क्या? ओह हाँ, ये आपकी चाची है, फरमाइए। अरे यार मेरी चाची नहीं है ये। यस मालूम है। मैं आपके पास खास काम से आया हूँ कि ये बहुत गरीब खानदान से हैं। जाहिर बात है, गरीब खानदान से न होती थी बकरी किसी गेंडे से शादी कैसे कर सकती थी। क्या नहीं, ऐसी मुंह से निकल के आप बोलिए फिर। मेरी समस्या ये है कि इसका एक 60 साल का भाई है। कितने बरस का? हाँ ये तो भेजा उड़ जाएगा। इसका भाई 60 बरस का, इसकी उम्र 18 साल की। इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, उसमें ऐसा है ना कि इसके बाप ने पहले एक विधवा के साथ शादी की थी। अच्छा। उस विधवा को अपने पहले पति से एक लड़का था, उसकी उम्र काफी थी, इसके बाप से 2 साल कम है। बेटी की उम्र खाली 2 साल का फर्क है। अरे इसकी माँ के साथ जब शादी की ना इसके बाप ने, तो उसकी उम्र थी 20 साल की। 2 साल के बाद ये पैदा हुई है, तो इसकी उम्र हुई 18 साल की, माँ की 40 की और भाई की 60 बरस की। ये कौन सा खानदान है यार, ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी के सर पे घास उगी हो, घास पे बल्ब लगा हो और बल्ब में से नल का पानी निकल रहा हो। सर yes. अरे इसको संभालिए, ये अजीब सा केस लाया है। क्या केस है? इसका भाई इसकी शादी मेरे साथ तय करके भाग गया। क्या भाई की उम्र क्या थी? 60 बरस। भाई बताओ, इसकी उम्र 18 साल की, इसके भाई की उम्र 60 साल की, इतना बड़ा गैप। मरा नहीं वो तुम्हारा 60 साल वाला? नहीं नहीं, जिंदा है। जिंदा है। क्या किया उसने? लालच में आके चोरी करके भाग गया घर से। चोरी? हाँ। क्या चोरी किया? 500 रुपए की। 500? मारू सर? नहीं मारना नहीं, मारना नहीं, कुछ और भी होगा। हाँ, उसके साथ जेवरात लेके गया है। बहुत बड़ा केस है। पहली मर्द इतना बड़ा केस है, बहुत सारे जेवर होंगे। नहीं बहुत सारे जेवर है। सोने के होंगे? नहीं जी। प्लैटिनम? नहीं जी। डायमंड? नहीं यार। तो फिर पीतल के थे? Yes? है? आ, पहचाना, आप पीतल के? अरे मैं पीतल का नहीं, मेरे जेवरात पीतल के थे। अरे सर क्या बकवास की? अरे क्या बकवास कर रहा है, इतना हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है पीतल के जेवरों के लिए? ये तो टीवी से बाहर आ गया। अरे ऐसा सड़ा हुआ केस देखकर तो मुर्दा कब्र से बाहर आ जाएगा, ये तो खाली टेलीविजन से बाहर है। मारू? मारा नहीं, मारा नहीं, चलो उठो भागे से। नहीं नहीं सर, एक मिनट बुक ले लो, तो एडवांस कुछ एडवांस तो निकालो, हम केस सॉल्व कर देंगे, पैसा निकालो। केस सॉल्व होने के बाद मैं आपको आधा पैसा दूंगा। केस सॉल्व करेंगे तो जाके हमको आधा पैसा देंगे, तो बाकी का आधा कभी देंगे। दूसरा केस लाऊंगा ना तब दूंगा। उठ उठ तेरी। चलो चलो जासूस, हटो, कोई पागल लगता है। चलो। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर नाडकर्णी। हेलो पुलिस स्टेशन। अरे किधर पुलिस स्टेशन, वायर कटा हुआ है। अच्छा, अरे बोला। हाँ इंस्पेक्टर साहब, लग गया लग गया। ये कंट्री में कुछ भी हो सकता है, वायर कटा फिर भी फोन लग गया। हाँ भूख लगी है। ओहो याददाश्त गई, फिर भीख मांग रहा है। माए बाबू भूख लगी है। अरे क्या आदमी है यार ए बाबू, ये 20 साल से जब भी याददाश्त जाती है तो भीख मांगने लगता है। एक टप्पू मारो तो सब इसको याद आ जाता है। कुछ तू यहाँ क्या कर रहा है? अभी मैं तेरे को ऑफिस में बिठा के आया था ना। अरे कौन सा ऑफिस, ऐसा लगता है मक्खी मारने का ठेका ले रखा है उस ऑफिस में, और ऑफिस के मालिक ने निकाल के लात मार के बाहर कर दिया। क्यों निकाला भाई, परसों तो भाड़ा दिया उसको मैंने। परसों? यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है यार, याददाश्त चली जाती है। अरे 15 साल से किराया नहीं दिया यार। क्या बात करता है, परसों नहीं दिया था उसको मैंने किराया। खोपड़ी खोपड़ी याद करो बीच में। माए अच्छा फिक्र मत कर यार, तू क्या बोलता मेरे तो कुछ समझ में भी नहीं आता है। एक दिन अपनी किस्मत का सितारा चमकेगा, अपनी तो अपनी जवानी भी नहीं बचपना चल रहा है 20 साल से। किधर यार तुम, अपने को कितने 15 साल हुए पैदा होके। मेरे भाई मेरी पुकार सुन। क्या है? मैं 15 दिन से तड़प रहा हूँ, खाना नहीं खाया, जिस नल से पानी पीता था वो नल भी बंद हो गया। नल बंद हो गया? हाँ। क्यों? म्युनिसिपैलिटी ने काट दिया। म्युनिसिपैलिटी से पानी भी नहीं है? नहीं है। तो म्युनिसिपैलिटी बोलो जाके किधर नौकरी करे। अरे यार तुम म्युनिसिपैलिटी को छोड़ो, इसकी बात करो, भूख के मारे दम निकला जा रहा है, कुछ करो कुछ सोचो। मुझे भी ऐसे लगता है, मैं चक्कर आ रही, लगता है मैंने भी बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। हाँ तो क्या करें, मर जाऊंगा मर जाऊंगा, कुछ खिला दो। वो होटल है, चले वहाँ पर। होटल तो है, चले वहाँ पे। पैसे किधर हैं? लॉटरी लगी है क्या? पैसे अपने कभी देखे हैं आज तक? नहीं। तो आज कहाँ से देखेंगे? खाना खा लेंगे, आइडिया है मेरे पास। क्या? अरे नहीं
नहीं, वो पकड़े जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। अरे नहीं यार, पकड़े भी जाएंगे तो अंदर जाके खाने को तो मिलेगा, बदले में खाली क्या दो चार डंडे खाएंगे। तो चल तो सही। वैसे वो आदमी कुछ कह रहा है आपसे। किधर? कितना हुआ? अरे चंदू, सेठ का पैसा बोलो नी। साहब का 5 रुपया लेना। शुक्रिया। हाँ बोलिए साहब, क्या खाओगे? खाने में क्या है? खाने में गुर्दा, कीमा, कुरमा, कलीजी, पाया, चाप, चकरोज, बिरयानी, बुना कुछ, मच्छी, बदकरी, मटमा, वटो, चापनो, चिकर, उसलपा, मिसलपा, भजापा, बनरस, इडली वड़ा, सांबर, दही वड़ा, भेलपुरी, पानी पूरी, गुर्दा। बस बस, क्या भिखारियों की होटल है। एक काम, दो दो प्लेट सब लेकर आ, और 4 मुर्गी ला, और 18 रोटी। 18 रोटी? क्यों, तेरे बाप का खाता हूँ क्या? मेरे मुंह से खाऊंगा, मेरे पेट में जाएगा, है ना? तो तेरे बाप का क्या? क्या वैसा कुछ घूम गया है क्या? जी वो बटाटा वाला उधर गिरा है शायद। वो आदमी के पैर के पास जाके देखो तो। स्टार्ट हुए कम से कम 3 दिन के बाद खाना खाया है। क्या खाने में आके लेटेगा क्या? श्योर साला। किधर से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा। अबे क्या कर रहा है यार? अबे यार, बचपने की डकार आज निकली है। जिंदगी में पहली बार तो असली खाना खाया, खत्म हो गई जल्दी। अबे अब मैं क्या करूं? भूल गया क्या? भाई जैसा प्लान बनाया था वैसा कर, रिपोर्ट। समझा। अरे चंदू, सेठ का पैसा बोलो नी। 25 रुपया लेना। एक 25 रुपया निकालो नी साई सेठ। ले लो ले लो। अरे किधर से ले लो? कैसा ले लो यार? अभी अभी जो 30 रुपया दिया था उसमें से 25 ले लो, 5 वापस दे दो। अरे बहना चरिया, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ? अरे तेरी ऐसी की तैसी। अरे तेरी वैसी की वैसी। तू 420 है, तू 840 है, तू 1680 है, तू 3280 है, तू 3280। आगे कितना होता है? आगे मेरे मालूम नहीं, लेकिन हम तुमको छोड़ेगा नहीं, पैसा लेकर रहेगा। अरे मैं भी अपना पैसा लेकर रहूंगा। ये सब क्या लफड़ा है हवलदार साहब? ये सेठ बेईमान है, मैंने इसको 30 रुपए दिए, मेरे 5 रुपए वापस नहीं कर रहा। अरे खुलेआम कर रहा, खुलेआम कर रहा। हम नहीं, बिस्कुट है। अंधा अंधा। अरे हम अंधा है साहब, क्या उल्टा जमाना आ गया है। अरे खाना भी खाया, उल्टा पैसा भी मांगता है। सेठ यार, तुम तो देखता था ना, इसने पैसा नहीं दिया है। यार तुम दूसरे के पजामे मेरी टांग काहे को घसेड़ रहे हो? ए भाई, झगड़े में तुम्हें भूल मत जाना कि मैंने तुमको 100 रुपए का नोट दिया था। सेठ, ओ सेठ, मैंने पैसा दिया था, याद है ना? 30 रुपया खाने का, 70 रुपए वापिस लेने का है, याद है ना? मैंने पैसा दिया था, याद है ना? हवलदार भी है, याद है ना? लेकिन इसने नहीं दिया है। फिकर काहे को करता है सेठ यार? देखिए, पैसा तुम्हारा किधर जा सकता है? मैं हूँ हवलदार, है पैसा तो ऐसा मिलेगा। ए हवलदार, जरा पैसा दे दे, बोलना। ए सेठ, इसका पैसा दो। यार पैसा दो। अरे तुम तो ना यार, मैं पैमान है, रिक्शा पकड़ना तो। ए माफ करना। अरे रिक्शा तो मैं रोक देगा, ये लो पैसा, लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे। अबे छोड़। अरे सुनो, अरे मैं भी पैसा लेकर आया हूं। अरे सेठ, क्या लगा यार, जरा जरा सी बात पे लड़ाई कर दो। कितना पैसा है तुम्हारा? अरे यार 2500 रुपया। अरे तो हमसे मांगो यार, हम देता है। सलाम, दुनिया में इंसाफ करने को पैदा हुआ है। ये लो, मेहरबानी। तुम्हारा कितना है? 5 रुपया। ये लो, चल मुकाला कर। हाँ जी हाँ जी। हेलो हेलो, क्या सेठ इंसाफ बराबर है ना? अरे तुम जैसा 2-4 आदमी और हिंदुस्तान में पैदा हो जाएगा ना, तो हिंदुस्तान का बेड़ा पार हो जाएगा। झूले लाल झूले लाल। 2-4 और किधर से पैदा होएगा? सिंगल है, डुप्लीकेट भी नहीं बन सकता है। रामगढ़ के छोले देखा है? रामगढ़ के छोले? हाँ देखा देखा। क्या था उसके अंदर?
सब डुप्लीकेट था। अपना डुप्लीकेट था? नहीं बिल्कुल नहीं था। बन भी नहीं सकता है, सिंगल पीस। तो खुश? खुश। तो फिर इसी बात पे कुछ बिस्किट देने यार। हाँ, बिस्कुट? दुकान खाली करो मेरी, लियो बिस्कुट लियो। क्या कंजूस आदमी। कंजूस? एक केक दो ना। केक सड़ा हुआ है। अच्छा, तो दो देना।